हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग विद डॉक्टर वैदेही। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी प्लांट जो होता है उसको बुशी मतलब घना कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप एक तुलसी का प्लांट लगाइए। आप नर्सरी से ला सकते हो खरीद के, या फिर वो जो तुलसी प्लांट के मंजरियाँ होते हैं उसे कट करके आप उसे सीड्स उसके जो सीड्स होते हैं वो आप सॉइल में डाल सकते हो। अभी जो मंजरियाँ होते हैं उनको सिलेक्ट करने का भी एक प्रोसेस होता है, और मैच्योर होने के बाद ही आपको उनको तोड़ के मिट्टी में डालना है। तो मैच्योर हो कैसे पता चलेगा, तो वो पूरे के पूरे ब्राउन कलर के होने चाहिए, तभी जाके वो उसके अंदर सीड्स जो होते हैं वो मैच्योर्ड होते हैं कि वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। उसके बाद जब प्लांट आपका थोड़ा बड़ा होता है 15 सेंटीमीटर इतना, उसे कुछ हाथ नहीं लगाना है। एक बार वो 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर के इतना प्लांट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऊपर की मेन स्टेम है उसको प्रून करना है, मतलब उसे धीरे से तोड़ देना है। तोड़ने की भी एक टेक्निक है, आपके दो फिंगर्स थंब एंड उसका जो इंडेक्स फिंगर है वो दोनों को मिला के उसको धीरे से पिंच करना है, छोटा सा पिंच करना है ताकि उसका रूट से वो पुल ना हो। तो एक स्टेम से आपको दो स्टेम मिलेंगे, दो स्टेम में लूज आने के बाद आपको वो दोनों भी स्टेम को पिंच करना है, प्रूनिंग का प्रोसेस करना है। तो वो जो दो स्टेम्स आए उसमें से चार आएंगे। ये प्रोसेस आपको हर वीक में करना है, एवरी वीक आपके न्यू लीव्स आते हैं तुलसी में या कोई भी प्लांट में। तुलसी का ग्रोइंग रेट ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। तो इसमें क्या होगा, आपको धीरे 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 छोटे प्लांट में ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे और इससे आपका प्लांट जो है बुशी बनेगा। ऑफकोर्स कई अदर फैक्टर्स भी हैं जिस पे प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है। अभी प्रूनिंग करने के बाद आपको उस प्लांट को तुरंत पानी डालना है। हाँ, एक बात, जैसे ही आप ये जो प्रूनिंग प्रोसेस है ये आपको इवनिंग में ही करना है, सन के जाने के बाद, धूप जाने के बाद। अगर धूप में करोगे तो आपका प्लांट मर जाएगा, तो आपको सनसेट के बाद ही करना है। और प्रूनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, उसे अच्छे से पानी डालना है ताकि आपका प्लांट जो है वो स्ट्रेस को फेस ना करें। प्लांट के पत्तों का कलर ब्राइट करने के लिए और उसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं उसे बनाए रखने के लिए आपको उस प्लांट को अच्छे से पानी देना है, और हर 15 दिन के बाद आपको अच्छी खाद देना है और गुड़ाई भी करने हैं। इससे आपको अलग अलग फर्टिलाइजर्स परचेस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तुलसी का प्लांट जो होता है वो सिर्फ एक प्लांट नहीं, हम तो बस उसके लीव्स देखते हैं तो नहीं, वो फ्लावरिंग भी करता है, फ्रूटिंग भी करता है। मंजीरा जो होती है उसके अंदर पहले फ्लावर्स निकलते हैं छोटे छोटे से, और वो फ्लावर्स निकलने के बाद उसका पॉलिनेशन होने के बाद उसके सीड्स होते हैं, और वो सीड्स जो होते हैं मैच्योर होने के बाद ब्राउन होते हैं, और ब्राउन जो पार्ट होता है मंजीरा का अगर आप हाथ में लो और उसको ऐसे ऐसे मसलो तो आपको ब्लैक कलर के सीड्स दिखेंगे। ये सीड्स होते हैं उसके फ्रूट्स, जैसे हमारे मिर्ची होते हैं वैसे ही उसके फ्रूट्स होते हैं, और ये फ्रूट्स हम डालने के बाद मिट्टी में डालने के बाद जर्मिनेट होते हैं। तो ये फ्रूट्स अगर अच्छे क्वालिटी के होंगे तो ही जाके वो अच्छे प्लांट बनाएंगे, राइट। ये जो ब्राउन कलर के मंजीरा है उसके अंदर जो सीड्स बने हैं जो उस प्लांट के फ्रूट्स है, तो ये सीड्स अच्छे मैच्योरिटी होने के लिए उसे अच्छी खाद देने की ज़रूरत है। तो फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, लीव्स बड़े करने के लिए, इन सारे कैटेगरीज में अलग अलग नाम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेसिकली प्लांट को दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक तो मैक्रो है, दूसरा माइक्रो है। मैक्रो मतलब वो जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, और माइक्रो मतलब वो जो कम मात्रा में ज़रूरत है। बट अगर वो नहीं मिलते हैं तो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो माल न्यूट्रिशन होता है, और तुलसी प्लांट के अंदर जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं होती है, जिसके कारण उसकी मेडिसिनल वैल्यूज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो उसके अंदर होती है वो कम होती है।
क्योंकि उसकी अच्छी ग्रोथ हुई नहीं है। तो इसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, अलग अलग केमिकल्स खरीदने पड़ते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी ऑफकोर्स जियोमैनियम, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ बैलेंस प्रोपोर्शन में डाला गया है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट थिंग ये आती है कि तुलसी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप तभी पानी डालें जब टॉप पॉट की टॉप लेयर जो सॉइल की है वो ड्राई हो। अगर 2 घंटे की तुलसी को धूप नहीं मिलती है, ओके, 2 से 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम तो 2 मिलनी ही चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो उसके सारे लीव्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं, ओके। उसे धूप लविंग है ये प्लांट। जब ठंड पड़ती है तब तुलसी की ग्रोथ जो होती है वो डोरमेंसी पीरियड में जाती है, उसके लीव्स जो है वो सारे के सारे नीचे गिरने लगते हैं, इसलिए तुलसी को धूप देना बहुत ज़रूरी है। और अगर अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो उसके लीव्स येलो या फिर काले हो जाएंगे, इसलिए आपको देखना है कि हर 15 दिन में तुलसी को खाद देने की ज़रूरत है। लोग मानते हैं कि तुलसी प्लांट को खाद की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं है, तुलसी को भी खाद की ज़रूरत है। किसी को भी जीना है तो खाना ज़रूरी है, वैसे ही उसको भी ज़रूरी है उसकी अच्छे से ग्रोथ होने के लिए। जब भी तुलसी को पानी डालो, तुलसी पौधे को पानी डालो, तो उसके लीव्स को भी अच्छे से धो लेना और पानी उसके लीव्स पे भी अच्छे से स्प्रे कर देना, ओके। इससे क्या होगा, ब्लैक फ्लाइज का जो अटैक होता है उसके ऊपर वो नहीं होगा, क्योंकि तुलसी का प्लांट जो होता है वो बहुत जूसी होता है, क्योंकि उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उस पर जो जितना इम्पोर्टेंट प्लांट होता है, इस दुनिया का नियम है, जो जितना इम्पोर्टेंट है उसे तकलीफ भी उतनी ज़्यादा होती है, राइट। जो जितना अच्छा है उसे तकलीफ भी उतनी ज़्यादा होती है। सेम थिंग है, अश्वगंधा लो, तुलसी ले लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स बोलने चाहिए इनको। तो इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तुरंत प्रेडेटर्स बैठे होते हैं, राइट। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इसे अच्छे से संभालें। नेक्स्ट थिंग ये है कि तुलसी कई प्रकार की होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तुलसी का प्लांट जो है, मतलब जिसमें ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन से हैं और हमें घर में कौन सी तुलसी रखनी चाहिए, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए या फिर पर्सनल मैसेज कीजिए, जैसे आप करते हो। तो अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो तो मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूँगी। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।